साथियों नमस्कार, मैं कुंवर सिंह, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य। जो अनाज उगाएगा वही कानून बनाएगा, ये भारतवर्ष उन्हीं का है, वही देश चलाएगा। ये शब्द किसानों के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने आज से 86 साल पहले कहा था। आज किसान दिवस है और किसान की पीड़ा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। दिल्ली की चौकट पे देश का किसान इन काले कानूनों को वापस कराने के लिए अड़ा हुआ है और सरकार पूंजीपतियों और लुटियंस के बनाए कानून को लेकर किसानों के आमने सामने है। और सरकार तो ये भी प्रदर्शित कर रही है कि लो पंजाब का किसान मान गया, लो कच्छ का किसान मान गया, कल मध्य प्रदेश का किसान मान गया और आने वाले कल में उत्तर प्रदेश का किसान मान जाएगा। लेकिन देश में सबसे ज्यादा संख्या में जो असली किसान है वो दिल्ली की चौकट में किसान बिल के विरोध में है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री हुए तो अहमदाबाद से दिल्ली अडानी के हवाई जहाज में आए और जब अंबानी की हॉस्पिटल का उद्घाटन करने गए तो भी अडानी के हेलीकॉप्टर में गए, हवाई जहाज में गए और वहां पर एक ऐसा वाक्या हुआ जिसको देखकर विश्व की आंखें चकाचौंध हो गई। यानी मुकेश अंबानी की पत्नी श्रीमती नीता अंबानी ने देश के प्रधान सेवक के कंधे पर जब हाथ रख दिया तब ऐसा लगा कि देश का प्रधान सेवक अब पूंजीपतियों का सेवक हो गया है। ये कैसा कानून है जिसपे धारा 13 और 15 में किसान कोर्ट भी नहीं जा सकता? ये कैसा कानून है जब किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मांग सकता? ये कैसा कानून है जिसमें इकट्ठा यानी स्टॉक करने की सीमा समाप्त हो गई हो? और ये कैसा कानून है जिसको जबरन सरकार थोप रही है? और ये कैसा कानून है जब किसान सरकार के इस कानून से दूर भाग रही हो और सरकार सिर्फ एक रटंत लगाए है कि मैं तो ये किसानों का कल्याण कर रहा हूं। लेकिन आप लोग याद कर लीजिए, 101 साल पहले जनरल डायर ने जिस तरह से पंजाब में वहां के लोगों के साथ गोलीबारी की थी, उसी प्रकार नरेंद्र मोदी दिल्ली की चौकट में किसानों को मरने के लिए छोड़ दिए हैं। तो क्या लोकतंत्र और देश की सर्वोच्च न्यायालय कई मामलों में स्वज्ञान ले लेती है लेकिन किसानों के मामले में स्वसज्ञान क्यों नहीं? क्या दिल्ली की सर्वोच्च न्यायालय भी, दिल्ली की सर्वोच्च संस्था यानी देश के प्रधान सेवक और देश की सरकार के इशारे में इर्द गिर्द घूम रही है? या किसान राजनीतिक व्यवस्था बदलेगा? या फिर ये कानून, चाहे किसान कानून हो, चाहे बिजली का कानून हो और चाहे पराली का कानून हो, किसान इस पर लड़ेगा जीतेगा? और मैं तो कहना चाहता हूं, लड़ेंगे तो जीतेंगे। जय जवान।